निकिता प्रकाश हूँ। हम यहाँ वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में हैं हरियाणा में। तो आप लोगों ने वल्चर्स देखे हैं? सबने देखे? यस मैम। तो पर आप मालूम है वल्चर्स की पॉपुलेशन क्या है या कोई प्रॉब्लम है या अच्छे चल रहे हैं? NSA, मतलब पेन किलर जो मवेशी को देते हैं जब मवेशी को बुखार या सोजिश आती है, तो लाइक्रोफिनेक का टीका लॉन्ग बिल स्लेंडर बिल, ये आज की दिन में क्रिटिकली एंडेंजर है। ये दे आर सोशल बर्ड्स, आपको एक या दो ये कहीं नहीं मिलेंगे, दे विल ऑलवेज बी इन अ फ्लॉक। ठीक है, फ्लॉक में ही रहेंगे तो, क्योंकि वो सोशल है। अब हमारे देश में 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स हैं, उसमें सबसे पहले मैं आपको सिनेरियस और किंग वल्चर की बताऊंगी। इनकी चोंच बहुत ही टफ होती है और ये किसी भी एनिमल की ऊपर की स्किन और नीचे के टफ मसल्स को फाड़ के खा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ये आके खोल के इनको खाएंगे। पर जो फिर इसके बाद है, ये जिप्स, 5 जिप स्पीशीज ऑफ वल्चर्स है, 5। उसमें ये वाइट बैक, लॉन्ग बिल, स्लेंडर बिल, हिमालयन ग्रिफिन और यूरेशियन ग्रिफिन, ये 5 अंदर का बॉडी का खाना खाते, मतलब इनर विसरल ऑर्गन्स जो लिवर, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन्स, ये सब है। तो इसकी क्या कहते हैं, वेट बहुत ज़्यादा होता है ना, सारे बॉडी का वेट तो स्टमक में होता है, इसलिए बहुत खाना होने की वजह से ये 5 स्पीशीज की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। उसमें भी ये जो वाइट बैक वल्चर है, इसको तो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या की रैप्टर माना जाता था, द मोस्ट एबंडेंटली क्या कहते हैं पॉपुलेटेड वल्चर हो तो ये वाइट बैक वल्चर। ये 4 किलो का है और 3 नेस्टर है, और ये हमारे देश में सारे इंडिया में बिलो अप टू 2000 मीटर्स अल्टीट्यूड में मिलता है। फिर ये लॉन्ग बिल वल्चर है, ये लॉन्ग बिल पहाड़ की बखोल में नेस्ट करता है और ये 5 किलो का है, और ये मतलब आपको साउथ इंडिया में नेचुरली कम मिलता है, बाकी वो सारे इंडिया में मिलता है। और फिर स्लेंडर बिल वल्चर है, ये आज की तारीख में सबसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर है, शायद 1000 वल्चर्स ही बचे हैं मतलब दुनिया में। और पहले ये हिमाचल से अरुणाचल प्रदेश तक इनका डिस्ट्रीब्यूशन था, अब सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, हिमाचल में भी कभी कभी कोई एकाध मिल जाता है। और ये भी 3 नेस्टर है और ये 6 किलो का है। हम इन तीनों पे काम करते हैं, वाइट बैक, लॉन्ग बिल, स्लेंडर बिल। फिर है हिमालयन ग्रिफिन, इसकी एक छोटी पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में दिखती है, पहाड़ों में आपको सिक्किम, तिब्बत, ले लद्दाख में, पहाड़ों में ही मिलती है, और बाकी ये सारे माइग्रेटरी हैं, विंटरिंग है, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे ऊंचे इलाकों में ये ब्रीड करते हैं। और फिर हमारे पास यूरेशियन ग्रिफिन है, ये भी यहाँ माइग्रेटरी बर्ड है और ये यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं, और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से ये इंडिया में विंटरिंग करने को आते हैं। ये सारे